अक्का साहब, पापा को ऐसे दरवाजे पर ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। मैं सभी के पैर धोती हूँ। रुक जा। पंचमुखी बप्पा का स्वागत मैं खुद करूंगी और सभी के पैर भी मैं खुद धोऊंगी। बिल्कुल आई, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं बस अभी पानी और परात लेके आती हूँ। आई। सही मायने में आज हो रहा है सभी का गृह प्रवेश। सभी का गृह प्रवेश? काकी, इसका क्या मतलब? शादी करके जब वो पहली बार इस घर में आई थी तब इसे होश ही कहा था। लेकिन आज पहली बार घर के सब लोग उसका स्वागत कर रहे हैं और तो और अक्का साहब खुद उसके पैर धोकर उसका स्वागत कर रही। बिल्कुल सही कहा काकी आपने। बप्पा की कृपा से आज पहली बार सभी को इस घर में बहू का सही हक मिल रहा है। एक मिनट अक्का साहब। अगर हम सभी की लाई हुई मूर्ति को स्थापित करेंगे तो फिर रीवा वहिनी की लाई हुई मूर्ति का क्या होगा? मतलब हम उनकी लाई हुई मूर्ति को स्थापित नहीं करके सभी की लाई हुई मूर्ति को स्थापित करेंगे। लेकिन बप्पा के इस मूर्ति का हम अनादर होते हुए भी तो नहीं देख सकते हैं। लेकिन दोनों मूर्तियों को स्थापित क्यों नहीं कर सकते हम? देखिए, ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि एक ही मंडप में एक ही मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। ऐसा कोई नियम है? बिल्कुल नहीं। आप दोनों मूर्तियों की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन प्रमुख मूर्ति पंचमुखी बप्पा की ही होगी, क्योंकि अक्का साहब की यही इच्छा थी। चल सभी। गणपति बप्पा मोरया। 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 चल। तूने बापा की मूर्ति की स्थापना की ना, तो अब ईशान के साथ तुम्हारे पति के साथ उसकी आरती भी कर। काकू प्लीज रहने दीजिए। चुप, कुछ नहीं सुनूंगा मैं। चल आज आज काकू आज। पंडित जी, शादीशुदा जोड़े को एक साथ आरती करनी चाहिए, है ना? बिल्कुल सही कहा बेटा। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। गुम है किसी के प्यार।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।